हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फन टाइम। तो आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं फादर्स डे स्पेशल केक। और इसे बनाने के लिए आपको किसी भी टाइप की व्हिपिंग क्रीम की कोई ज़रूरत नहीं है, और सिर्फ 3 इन्ग्रीडियंट से हम ये केक बनाएंगे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक ज़रूर करना। तो चलिए हम बना लेते हैं हमारा फादर्स डे स्पेशल केक। तो इसे बनाने के लिए देखो, सबसे पहले हमें चाहिए मोल्ड। तो मोल्ड के प्लेस पे मैंने ले लिया है ये छोटे साइज़ का पतीला। आप भी इसी टाइप का कोई भी बर्तन यूज़ कर सकते हो। और फिर इसमें हम डालेंगे थोड़ा ऑयल और इसको हम जो है अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। तो ऑयल जो है ज़्यादा नहीं डालना है, बस थोड़ा इतना ही डालना है कि ये पूरे बर्तन में अच्छे से फैल जाए। ऑयल लगाने के बाद अब हमें इसमें डालना है मैदा, और मैदा को भी पूरे बर्तन में अच्छे से लगा देना है। अगर आप ये दोनों चीज़ें इसमें लगा देते हैं तो केक जो है बहुत ही इजीली डीमोल्ड हो जाएगा और कहीं से जो है जलेगा भी नहीं, चिपकेगा भी नहीं। तो ये दोनों चीज़ें मैंने लगा दी है। अब हम इसको रख देंगे साइड में और बैटर रेडी करेंगे। तो बैटर के लिए मैंने यहाँ पर बिस्किट्स लिए हैं क्रीम वाले, और ये मैंने ऑरेंज क्रीम वाले बाउंस बिस्किट लिए हैं जो कि 1 10 रुपीज़ का है, और एक बिस्किट का पैकेट जो है 82 ग्राम्स का है, और मैंने ये टोटल 6 बिस्किट्स के पैकेट लिए हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि ये जो बिस्किट्स हैं उनको निकालेंगे और इन्हों को क्रीम से जो है सेपरेट कर लेंगे। तो एक बाउल में मैं इसकी क्रीम को डाल रही हूँ और दूसरे बाउल में बिस्किट्स को डाल रही हूँ। तो ये जो क्रीम है हमें इसको सेपरेट करना ही है, क्योंकि जो हम डिज़ाइन बनाने वाले हैं उसमें हमें इस क्रीम की ज़रूरत होगी। तो मैंने क्रीम सेपरेट कर लिया बिस्किट से। अब हम इसका पाउडर बना लेंगे मिक्सचर ग्राइंडर में। बिस्किट्स का पाउडर तैयार है। तो जो पाउडर आपको बनाना है बिस्किट का, उसमें बिस्किट के चंक्स जो हैं बिल्कुल भी नहीं रहने चाहिए। अब हम इसमें डालेंगे मिल्क। तो ठंडा मिल्क ही डालना है, गर्म मिल्क नहीं डालना है। और थोड़ा थोड़ा सा दूध डालेंगे और बैटर को जो है मिक्स करेंगे। एक बारी में अगर आप पूरा दूध डाल देते हैं तो जो बैटर है वो बहुत ही ज़्यादा पतला हो सकता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा ही डालेंगे और कॉन्टीन्यूसली इसको मिक्स करते जाएंगे। और आप जो है कोई भी बिस्किट इसमें यूज़ कर सकते हैं, बस वो क्रीम वाले बिस्किट होने चाहिए, और जिस भी आपको कलर का बनाना है उसी कलर के बिस्किट आपको ले लेने हैं। तो बैटर को कभी भी ओवर मिक्स नहीं करते हैं, उससे क्या होता है कि वो जो केक है ना वो ठीक से फूल नहीं पाता है, और कभी कभी सेंटर में से जो है वो फूल नहीं पाता है, कभी साइड से नहीं फूल पाता है, इसलिए जो है बैटर को हमें ओवर मिक्स नहीं करना है। सो ये बैटर है तैयार। देखिए कितना इसको मैंने थक रखा है, और इसे बैटर को रेडी करने के लिए 1 ग्लास मिल्क लगा है, और ये कंसिस्टेंसी है हमारे बैटर की। अब एक तवा लेंगे और उसको जो है गर्म होने के लिए रख देंगे करीब 5 मिनट के लिए। और अब हम डालेंगे बैटर में इनो। तो 3 पैकेट इनो मैं इसमें डाल रही हूँ, और इनो को जो है एकदम लास्ट में ही डालना है, पहले नहीं डालना है, अदरवाइज़ उसका इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाता है। और एक साइड में हम इनो को डालेंगे, पूरे में फैलाएंगे नहीं। और इनो डालने के बाद उसके ऊपर डालेंगे या तो मिल्क या फिर पानी, और जैसे ही इनो एक्टिवेट हो जाता है इसे पूरे बैटर में अच्छे से मिक्स कर देंगे। हल्के हाथों से ही मिक्स करना है, और दूध जो है ज़्यादा नहीं ऐड करना है, अदरवाइज़ जो बैटर की कंसिस्टेंसी है वो बहुत ही पतली हो जाएगी। सो बैटर को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, और आप देख सकते हैं कि कंसिस्टेंसी जो है वो सेम ही है, ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आया है। अब इसको तुरंत हम ट्रांसफ़र कर देंगे मोल्ड में, और बिल्कुल भी देर नहीं करनी है, नहीं तो केक जो है ठीक से फूलेगा नहीं। अब इस तरीके से हम टैप टैप करेंगे सो दैट जो भी एयर बबल्स हैं वो निकल जाएं। और तवा भी गर्म हो चुका है, तो इस पे हम ये पतीला रख देते हैं और इसको ढक देते हैं किसी प्लेट से जो कि इसको अच्छे से कवर कर लेती हो। और अब हमें इसको लगभग 45 मिनट्स के लिए
लो टू मीडियम फ्लेम पर बेक करना है। फ्लेम को जो है ज़्यादा तेज़ नहीं रखना है और बार बार खोल कर नहीं देखना है, अदरवाइज़ केक जो है ठीक से बेक नहीं हो पाएगा। अब ये जो क्रीम है इसे हम रेडी कर लेते हैं। तो ये जो क्रीम है इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच दूध, ज़्यादा दूध नहीं डालना है, और फिर चम्मच या फिर किसी भी विस्कर से हम इसको मिक्स कर लेंगे। तो थोड़ी देर में जो क्रीम है वो पूरी अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगी। सो ये जो क्रीम है अच्छे से मिक्स हो गई है, अब इसको भी हम रख देते हैं। तो करीब 45 मिनट्स हो गए हैं। चलिए चेक कर लेते हैं केक को कि बेक हुआ है या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि केक जो है एकदम परफेक्ट फूल गया है। तो इसको चेक करने के लिए हमें जो है या तो कोई टूथपिक लेनी है या फिर कोई नाइफ़ वगैरह लेंगे, कोई भी स्टिक लेंगे और उसको एकदम सेंटर में डालेंगे। सेंटर में इसलिए क्योंकि सेंटर में सबसे लेट जो है केक पकता है। और ये देखिए जो स्टिक है वो बिल्कुल क्लीन आई है, इट मीन्स कि केक जो है वो अच्छे से बेक हो गया है। अगर इसमें थोड़ा भी लिक्विड बैटर लगा होता यानी कि हमें थोड़ी देर और इसको बेक करना था। अब हम केक को जो है ठंडा होने के लिए रख देंगे और ढककर रखेंगे ताकि केक जो है वो सॉफ्ट रहे। केक अच्छे से ठंडा हो गया है, अब हम इसको डीमोल्ड कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी साइड्स में जो है ये कितना लूज़ हो गया है केक। तो हमें क्या करना है, सिंपली इसके ऊपर रखनी है प्लेट और इसको इस तरीके से फ्लिप करना है और थोड़ा सा इस तरीके से करना है सो दैट केक इजीली बाहर निकल जाए। और आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से केक जो है बाहर निकल गया है। और ये जो केक है आप साइड से भी देख सकते हैं कि कितना परफेक्ट बना है एकदम। और ये केक जो है बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्जी भी बना है, यानी कि हमने इसमें इनो वगैरह की क्वांटिटी एकदम सही डाली है। अब हम कर लेंगे केक को फ्लिप क्योंकि मैं दूसरे साइड से इसे डिज़ाइन करने वाली हूँ। देखिए ये वाली साइड मुझे जो है ज़्यादा अच्छी लग रही है, इसलिए इस साइड से हम डिज़ाइन करेंगे और इस साइड से भी एकदम परफेक्ट बना है। तो अभी जो हमने क्रीम रेडी करी थी उससे हम पूरे केक को कवर कर देंगे। सो मैंने ये सिंपली जो है चम्मच से ही करा है काम, इस पर क्रीम को स्प्रेड करने का काम। अब फिर नाइफ से जो है हम थोड़ी थोड़ी सी क्रीम लेंगे और साइड्स में भी लगा देंगे। अगर आपको लगता है कि क्रीम थोड़ी कम है तो आप इसमें जो है मिल्क पाउडर ऐड करके इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, पर मैंने जो है उतनी ही क्रीम ली है, उसी में जो है मेरा काम बन गया है। सो ये केक को मैंने अच्छे से क्रीम से कवर कर दिया है। अब हम चॉकलेट लेंगे, उसको डालेंगे एक बाउल में, और चॉकलेट को मैंने थोड़ा थोड़ा ऑलरेडी तोड़ दिया है। और फिर इस पर डालेंगे थोड़ा सा मिल्क, ज़्यादा मिल्क नहीं डालना, बिल्कुल थोड़ा सा डालना है और एकदम गर्मा गर्म मिल्क डालना है ताकि जो चॉकलेट है वो बहुत ही ईजीली मेल्ट हो जाए। और फिर इस तरीके से स्पून से जो है इसको मिक्स करते जाएंगे और थोड़ी देर में जो है चॉकलेट एकदम मेल्ट होकर इस तरीके की हो जाएगी। सो अब मैंने इसको एक ये रैपर में जो है पॉलिथिन में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब डिज़ाइनिंग के लिए मैंने इस तरीके से नाइफ से जो है पहले एक टाई ड्रॉ कर दी है और फिर ये चॉकलेट से उसको मैं फिल कर रही हूँ। तो अगर आप ज़्यादा पतली कर देते हैं चॉकलेट को तो वो जो है ऐसे बह जाएगी, मतलब इसलिए ज़्यादा पतला नहीं करना है, थोड़ा थिक रख सकते हैं। और जो थोड़ी सी क्रीम बच गई थी ना बाउल में, उसको मैंने एक छोटा सा नोज़ल में डाल दिया, छोटा सा पाइपिंग बैग में डाल लिया और इस तरीके से टाई पर जो है मैंने डिज़ाइन बना दिया है। अब मैंने ली है वाइट चॉकलेट और उसको जो है मैंने थोड़ा सा मिल्क उसमें ऐड करके उसको मेल्ट कर लिया है और पाइपिंग बैग में ट्रांसफ़र करके इस तरीके से हैप्पी फादर्स डे मैंने लिख दिया है। और बची हुई से मैंने टाई को जो है और थोड़ा सा डिज़ाइन कर दिया है और चॉकलेट से आउटलाइन कर दी है टाई की। और ये जो केक है हमारा एकदम रेडी है। आप देख सकते हैं कि ये कितने सिंपल इंग्रेडिएंट से बना है और इसमें हमने किसी व्हिपिंग क्रीम की यूज़ नहीं किए है
और फिर भी जो है ये केक इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। तो अगर आपको भी मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी ज़रूर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना।